अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम कहते हैं आपको फर्स्ट ईयर की एक्सपेरिमेंट की लेक्चर सीरीज़ में। वो किसमें हम लोग जो है वो फर्स्ट ईयर बीआईटी के एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम जो है सेकंड ईयर के डिस्कस किए थे, उसमें से एक प्रैक्टिकल सोनोमीटर के लॉज हमें स्टडी करने हैं। ओके, सबसे पहले ही देख लेते हैं उसमें अपैरेटस क्या क्या चाहिए होगा, फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग को सोनोमीटर चाहिए होगा, एक वुडन हॉलो बॉक्स है जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में। उसके अलावा ट्यूनिंग फॉक्स चाहिए होंगे हमें वाइब्रेशन देने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, लाइक मेरे पास 5.2, 480 और 384 हर्ट्ज है। उसके अलावा हम लोग को वेट हैंग करने होंगे, टेंशन क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए हमें जो है वो हैंगर चाहिए होगा, जैसी बात है। स्लॉटेड वेट्स चाहिए होंगे, जो वेट्स मेरे पास 500 ग्राम्स का एक जो है वो वेट है, सही। ओके, इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स के हमारे पास वायर्स लगे हुए होते हैं इसके ऊपर, उसको भी हम देखेंगे इसका क्या काम होता है। मेरे पास एक वायर जो है कॉपर का होगा और दूसरा जो है वो स्टील का होगा। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का, जो उसमें सोनोमीटर प्रोड्यूस होती है, 1/2L स्क्वायर रूट टाइम्स टेंशन डिवाइड बाय म्यू। लेंथ एल क्या है, लूप की लेंथ है, जो वाइब्रेशन के लूप बन रहे होंगे उसकी लेंथ है। टी क्या है, टेंशन कितना वो स्ट्रेच हो रहा है जिसके लिए हम लोग वेट यूज़ कर रहे होंगे। और म्यू लीनियर मास डेंसिटी, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी सपोज करें अगर मैं ब्रास यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, और स्टील की लीनियर मास डेंसिटी अलग होगी, कॉपर की लीनियर मास डेंसिटी अलग होगी। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, इन तीनों का रिलेशन हम फ्रीक्वेंसी के साथ चेक करेंगे। ओके, जो फर्स्ट लॉ बनता है वो बनता है लेंथ के रिस्पेक्ट से। अगर बाकी सबको मैं कांस्टेंट कर लूँ तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो रिलेशन बन रहा होगा वो मेरे पास कैसा बनेगा, वो मेरे पास इन्वर्स रिलेशन बन रहा होगा। और मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट की लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्रोपोर्शनलिटी हटिंग वैसे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा मेरे एक्सपेरिमेंट में। उसके अलावा टेंशन के साथ अगर मैं बनाऊँ तो मैं म्यू और लेंथ को कांस्टेंट कर दूँ, टेंशन के साथ तो मेरा बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और इनका जो रेशियो होगा वो कैसा आएगा, अगेन कांस्टेंट आ रहा होगा। और थर्ड जो मेरे पास बनेगा, अच्छा ये हर जगह नहीं करवाया था थर्ड वाला, लेकिन क्योंकि कहीं कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आखान बोर्ड वगैरह में डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे इन दी एंड। इसमें हम टेंशन और लेंथ कांस्टेंट कर लेंगे तो म्यू के साथ फ्रीक्वेंसी रिलेशन बन रहा होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, और ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा। ओके, अपने फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ की तरफ चलते हैं, वहाँ हम ये भी देख लेंगे कि इसको ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करना है, उस पर बेसिकली फिजिक्स क्या अप्लाई हो रही है। ओके, तो लॉ ऑफ लेंथ हमने अपने सारी जो है वो प्रॉपर्टीज जो हमारे पास यहाँ पर है वो हमने लिख ली। एक सोनोमीटर एक वुडन बॉक्स है, हॉलो बॉक्स है, और ये इसका एक साइड व्यू दे रहा हूँ मैं और ये टॉप व्यू। कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसके ऊपर दो स्केल्स लगे हुए, एक इस तरफ लगा हुआ है, एक इस तरफ लगा हुआ है, जो मेजरमेंट के लिए होंगे। यहाँ पर हम लोग वायर अटैच करते हैं जो इस पुली पे आके हैंग हो रही होती है, और फिर यहाँ से हम वेट अटैच करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वायर के अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने वायर्स अटैच कर दिए, और इसमें जब मैं मास हैंग करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंशन आ जाएगी, मास बढ़ाते जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी, सही है। तो लॉ ऑफ लेंथ में हम ये कर रहे होंगे, हम डिफरेंट लेंथ के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करवा कर देखेंगे। अब कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं आगे। ओके, मैं क्योंकि इस बात जानता हूँ कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ के रिलेशन में पढ़ रहा हूँ, तो टेंशन और म्यू लीनियर मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। कहने का मतलब ये, मैं एक वायर यूज़ करूँगा तो लीनियर मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि इन दोनों की लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग होगी ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वायर कंसिडर करूँगा तो लीनियर मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और एक टेंशन यहाँ पर फिक्स कर लूँगा जो थ्रू आउट सेम रहेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर कर दी, इस टेंशन के ऊपर मैं जो है वो सारी वर्किंग कर रहा हूँगा। ओके, तो मेरे पास आगे टेंशन कॉन्स्टेंट आ गई, लीनियर मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट आ गई। मैं यहाँ से दो वायर में से सिर्फ एक वायर कंसिडर करता हूँ, दूसरा वायर मैं हटा देता हूँ। ओके, हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके अंदर जो है ये वुडन एजेस होते हैं, इसको यहाँ प्लेस करेंगे, और इसको इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। ये ऊपर से हम देख सकते हैं, ये साइड से देख सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, एक राइडर बनाएंगे। राइडर क्या होता है, पेज को इस शेप में कट करेंगे। इस शेप में पेज को कट करेंगे और कट करने करेंगे तो, और ऊपर से जब इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा दिखना लगेगा साइड से, सही। आई होप ये आइडिया हो रहा होगा। पेज को ऊपर से कट करें और फिर इसको प्रेस करें, साइड से वो ऐसे दिख रहा होगा। इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर,
इन दो नेरेस के बिटवीन। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करवा के यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद अगर होगा क्या कि ट्यूनिंग फोक की जो वाइब्रेशन है अगर वो इसकी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, ये राइडर जो है वो गिर जाएगा। तो तब हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई है, वहाँ हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। पहले मैं 5.2 हर्ट्ज़ जो है वाइब्रेट करवा रहा हूँ, तो 5.2 हर्ट्ज़ वाइब्रेट करवा के मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा। याद रखें बाकायदा यहाँ पर रखा जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं गिर रहा, ना हिल रहा है ना गिर रहा है, कोई इसके अंदर वो मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रही, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नहीं आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, इस तरह से दोबारा रख के देखा नहीं गिर रहा। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे लेंथ चेंज करेंगे और चेक करेंगे कब इस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। तो लेंथ चेंज करके देख लेते हैं। ओके, मैंने इस बॉडी नेच को थोड़ा सा आई कर दिया और राइडर कोशिश करेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में रहे, राइडर आपने अंदाज़ा करके इसको सेंटर में रखना है। अब दोबारा वाइब्रेट करवाते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसने हल्का हल्का वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, अभी गिरा नहीं है बट हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है और मूव भी नहीं कर रहा, एक ही जगह पर हल्का हल्का हिल रहा है, इसका मतलब हम रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के करीब आ चुके हैं। तो कि थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा के देखते हैं, ये राइडर मैंने बीच में कर दिया, अब मैं इसको रख के देखता हूँ। हाँ भाई, अब गिर गया, इसका मतलब है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रीडिंग लेने में हमें मसला ये होता है कि राइडर कभी कभी गिरता नहीं है, बड़े तेज़ से आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। राइडर गिर नहीं रहा ना, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करने के साथ साथ आगे या पीछे जाने लगता है, इसका मतलब है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। तो आप उसको भी अपनी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मान के चलेंगे, भले राइडर गिरे न गिरे, लेकिन अगर बहुत तेज़ से आगे मूव करना शुरू कर दे इसका मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उसके पास आ गई है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। खैर, हम लोग क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स की जो है वो लेंथ नोट कर लेंगे और उसमें से इनके बिटवीन डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के मैं लेंथ निकालूंगा, बड़े से छोटा माइनस हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ इन दोनों के बिटवीन लेंथ कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। उस 10.1 सेंटीमीटर को मैं फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दूंगा यहाँ पर, यह आ गया मेरे पास। ओके, तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास 5171.2 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लेंथ का। अब यही काम हम दूसरे ट्यूनिंग फोक के साथ करेंगे, हम सेम लेंथ पर रख के देखेंगे, लेकिन देखें ये रेशो हम लोग को पता है, रिलेशन हम लोग को पता है, अगर फ्रीक्वेंसी हम कम कर रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी मैं कर रहा हूँ इस बार 480 हर्ट्ज कर रहा हूँ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम की तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो इस लेंथ पर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा लेंथ पर आएगा। तो याद रखें जो पहली रीडिंग हम लोगों ने फाइंड की है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करें, अगर वो आपकी एक्यूरेटली फाइंड हो गई तो आप बाकी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें किस तरह होंगी। तो ऑब्वियसली अगर पहली सही है और बिल्कुल एक्यूरेट है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं कम कर रहा हूँ तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो 480 पे हम चेक कर रहे हैं, इसको वाइब्रेट करके हम लोगों ने देखा यहाँ पर रखा और ये राइडर नहीं गिर रहा। अब इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं, अब लेंथ बढ़ेगी लाजमी, कम नहीं हो सकती, कम इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं, तो लेंथ को बढ़ना चाहिए। तो लेंथ को जब मैंने बढ़ा के यहाँ पर देखा, अब मैं ज़रा इसको वाइब्रेट करके देखता हूँ, हाँ भाई राइडर गिर गया, इसका मतलब है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो इस तरह से मैं इसकी लेंथ लिख लूँगा, इसकी लेंथ लेट से मेरे पास आ रही है 11.0 सेंटीमीटर। लेंथ का तरीका यही है कि आप देखेंगे ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, इन दोनों में से बड़े में छोटी लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपके पास इनके बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगा, वो डिस्टेंस आप यहाँ पर लिखेंगे। ये एजेस यहाँ पर क्यों लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर दो क्लोज लूप बन जाए, एक लूप की लेंथ हम निकाल सकें। खैर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका प्रोडक्ट निकाल रहे थे, इसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट करीब करीब आ रहा है, वो 5100 पे था, 5200 के अंदर आ रहा है, और यही काम हम तीसरी फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे। और अगेन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम और कम कर रहे हैं तो इसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका प्रोडक्ट निकाला तो 5100 आ रहा है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है, या भी कह सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे हैं, लेंथ जो है वाइब्रेशन की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, अपने नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ टेंशन है, उसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ टेंशन में हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और इनका रेशो जो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें हमारे पास दो चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होंगी, लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मैं एक ही स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे स्ट्रिंग पे दूसरे वायर पे नहीं आऊँगा मैं, और यहाँ पर जो इनके बिटवीन लेंथ होगी उसको हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, सही। और उसके अलावा मास यहाँ से वेरी करते रहेंगे तो टेंशन चेंज होती रहेगी। ओके, तो वो लेंथ मैंने कांस्टेंट रखी हुई जो कि 10.1 सेंटीमीटर थी, क्योंकि वो 10.1 सेंटीमीटर जो शुरू में मैंने फाइंड करी है वो मेरा रेफरेंस है। अब मैं सारे काम उसके रिस्पेक्ट से करूँगा, मुझे पता है कि 512 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी
इस लेंथ 10.1 सेंटीमीटर के ऊपर इसको वाइब्रेट करके गिरा देती है इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर उसी लेंथ को यूज़ करूँगा। ओके, तो लेंथ मैंने कॉन्स्टेंट कर दी, वो 10.1 सेंटीमीटर। म्यू का मतलब, म्यू कॉन्स्टेंट का मतलब ए की जो है वो स्ट्रिंग मेरे पास है। ओके, 512 हर्ट्ज में जो है वाइब्रेट करने लगा। वहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेंशन कितनी है। टेंशन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू एम जी। एम जी क्यों होता है? क्योंकि जाहिर बात है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वही टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो जो वेट होगा वही टेंशन आ रही होगी यहाँ पर। तो वेट, अगर मास मेरे पास 2500 है तो मुझे एम जी के लिए क्या करूँगा, जी से मल्टीप्लाई करूँगा। जी याद रहे कितना होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ये टेंशन की वैल्यू आ रही है। ओके, हम लोग जो है 5.2 हर्ट्ज इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं किस तरह कितना अप्लाई होता है। इसके ऊपर ला के मैंने रखा, और जब ला के रखा ये गिर गया, और इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर 5.2 हर्ट्ज पे ये वाला मास जब रखा तो राइडर गिर गया, और फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रिलेशन निकाल लूँगा। अच्छा, सपोज़ कि राइडर नहीं करता तो क्या करते, राइडर नहीं करते तो हम मास यहाँ से चेंज करते, मास वेरी करते रहते हैं, सही है। और मास को जब चेंज करते फिर हम राइडर गिरा देते, लेंथ चेंज नहीं करते, लेंथ ये कॉन्स्टेंट रखते हैं। अगर सपोज करें पांचों में से किसी भी मास के ऊपर नहीं गिर रहा, तो आप क्या करेंगे, लेंथ चेंज करेंगे, बट वो लेंथ थ्रू आउट लॉ ऑफ टेंशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि जब आप दूसरे उस पर आ जाएंगे 480 हर्ट्ज पे आएंगे तब भी लेंथ वही रहेगी, 384 पे आ जाएंगे तब भी लेंथ वही रहेगी। तो लॉ ऑफ टेंशन पूरे के अंदर लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप किसी भी लेंथ पे काम कर सकते हैं, वो लेंथ थ्रू आउट कैसे रहनी चाहिए, कांस्टेंट। आप किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं, आप टेंशन और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने मास थोड़ा सा कम कर दिया, तो मास कितना हो गया यहाँ पर, 2000 ग्राम हो गया। इसके रिस्पेक्ट से 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास, अच्छा चले, मैंने वाइब्रेट कर लिया, ये एनिमेशन में सीक्वेंस से पहले आ रहा था ना, इसको वाइब्रेट करके मैंने यहाँ पर रखा। जब ये गिर गया तो 2000 मास पे 480 हर्ट्ज़ ने राइडर को गिरा दिया। 2500 पे कौन गिरा रहा था, 512 गिरा रहा था। ओके, इसका जो है फिर हम लोग मास और कम कर देंगे, और कम करने के बाद 384 ट्राई करेंगे। मैं डायरेक्ट मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह करते करते तीनों फ्रीक्वेंसी हम ट्राई करेंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो मैं ज़रा से रिवाइज़ करता हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो। पहले हमने क्या करा, एक मास के ऊपर 5.2 हर्ट्ज को जो है वाइब्रेट करवा के देखा। अगर उस मास पे ना गिरता, मास चेंज करते थे जब तक 5.2 हर्ट्ज ना गिर जाए, तब तक आपने करते रहना। खैर, वो गिर गया, गिरने के बाद हमने क्या करा, मास और कम करा। अब जाहिर सी बात है जब मैं दूसरी फ्रिक्वेंसी पर आऊँगा तो वो तो नहीं गिराएगी ना 2500 पर, तो मुझे मास क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मास कम किया, और ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी अगर कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो लाजमी आपको मास भी कम करना पड़ेगा, ये बात याद रखने की है। खैर, मैंने यही काम किया, फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने मास और कम किया और राइडर गिरता गया। इसका मतलब है मैंने जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अप्लाई की थी, सॉरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी, और उसकी वजह से जो है राइडर यहाँ पर गिर गया। और अगर सपोज करें मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर इस लेंथ, अगर वो तीनों फ्रीक्वेंसीज पे कोई किसी पे राइडर गिर रहा है और किसी पे नहीं गिर रहा, मैं तीनों पे गिराना है ना, अगर तीनों पे नहीं गिर रहा अलग अलग मासेस पे, तो आप लेंथ चेंज कर देंगे, लेकिन वो लेंथ तीनों के लिए कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0.32, 0.34, 0.317, ऑलमोस्ट 0.3 के अराउंड आ रही है। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन का जो रेशियो है वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, या इसको लॉ ऑफ मास ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, सही है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होंगे। ओके, हमें पता है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग टेंशन कांस्टेंट रखेंगे। टेंशन कांस्टेंट करने के लिए मुझे क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, मुझे मास कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, उसके अलावा मुझे लेंथ भी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो लेंथ मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पर, कोई भी लेंथ 10.1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो 10.1 सेंटीमीटर स्टार्टिंग की लेंथ आई थी, हमें पता है 5.2 हर्ट्ज वहाँ पर गिराता है, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो मैंने एक लेंथ कांस्टेंट कर दी, और सवाल ये कि अगर उस लेंथ पे दोनों से ना गिरा तो क्या होगा, उसको भी देख लेंगे। खैर, ओके, अब यहाँ पर जो है, पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर, मैं दूसरा स्ट्रिंग भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। दूसरा स्ट्रिंग मैंने लगा दिया, इसके ऊपर भी हम राइडर प्लेस करेंगे, और ये अभी जो है पहले वाले स्ट्रिंग का साइड व्यू है। जब इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो मैं इसका साइड व्यू दिखा दूंगा, सही है। तो हमारे पास दो मटेरियल हो गए, एक मेरे पास ब्रास है और दूसरा मेरे पास जो है वो स्टील है। तो एक ब्रास है और दूसरा मेरा स्टील है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन होगी, सही है। आपको फाइंड नहीं करनी होगी, ऑब्वियसली आपको
गिवन होगी। लेंथ तो हम लोगों ने ऐसे मेजर कर ली थी, टेंशन हम लोगों ने यहाँ से मेजर कर दी थी, लीनियर मास डेंसिटी क्या करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन होगी। फिर भी अगर लीनियर मास डेंसिटी आपको फाइंड करनी हो तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपको वायर का डायमीटर, वायर की डेंसिटी और वायर की लेंथ, डायमीटर, डेंसिटी और लेंथ अगर आपको गिवन है तो आप लीनियर मास डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंसर्न हो जाएगा, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे। खैर, मैं 5.2 हर्ट्ज वाइब्रेट करवा कर देखता हूँ उसके ऊपर। ओके, जब 5.2 हर्ट्ज मैंने वाइब्रेट करवाई तो मुझे पता है 10.1 सेंटीमीटर पे इसने गिरना था, बिल्कुल गिरना था। 5.2 हर्ट्ज ने इसको गिरा दिया। अब 5.2 हर्ट्ज इसको तो नहीं गिरा सकता क्योंकि ये अलग लीनियर मास डेंसिटी का, ये तो अलग मटेरियल है, इसको तो नहीं गिरा सकता, उसने तो इसको गिराने का कहने वादा किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो 24 उठाएंगे, जो 24 384 मैंने उठाया, 384 उठा के जब मैंने यहाँ पर रखा, इस बार ये नहीं गिरा। इसका मतलब है ये दोनों के लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर एक 5.2 के लिए थी, दूसरी 384 के लिए या 480 के लिए होनी चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा, जो कि दोनों नहीं गिरे, एक की वजह से एक को गिरना चाहिए था, दूसरी की वजह से दूसरे को गिरना चाहिए था। आप ये काम 480 के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ चेंज करके देखते हैं। ओके, मैंने लेंथ चेंज करी, राइडर को सेंटर में प्लेस करेंगे, वो 5.2 हर्ट्ज़ वाइब्रेट करके देखते हैं। और 5.2 हर्ट्ज़ वाइब्रेट करी, यहाँ पर गिर गई। अच्छा, अब मैं जो है वो दूसरा 24 उठा लेता हूँ, लेट से मैं 384 का उठाया, 384 यहाँ पर रख के देखा। ओके भाई, इस पर भी गिर गया। इसका मतलब ये है कि ये वो रेजोनेटिंग लेंथ है, ये वो कॉन्स्टेंट लेंथ है। लेंथ कैसी रखनी थी, कॉन्स्टेंट, जिसपे दोनों की तरफ से गिर जाता। 5.2 हर्ट्ज़ ने एक को गिरा दिया, 384 ने दूसरे को गिरा दिया। हमारे पास तीन स्ट्रेंथ तो है नहीं, इसलिए हम 480 यूज़ नहीं कर रहे। आप कोई भी दो यूज़ कर सकते, सही है। तो ब्रास वाले को किसने गिराया, ब्रास वाले को मेरा 5.2 हर्ट्ज़ ने गिराया और स्टील वाले को 384 ने गिराया। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं कितना है, 64 आ रहा है, 60.24, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 10 के डिफरेंस के अंदर अंदर आ रहा होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने की है कि यहाँ पे लेंथ जो चेंज होगी वो दोनों की साथ साथ चेंज होगी। ऐसा नहीं आप इसको कम लेंथ पे, इसको ज़्यादा लेंथ पे कर लें, नहीं, आपको लेंथ क्योंकि थ्रू आउट लॉ के अंदर कॉन्स्टेंट रखनी है, तो इसलिए क्या लेंथ दोनों की साथ साथ चेंज होगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं, रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेशन इन सोनोमीटर आर प्रूव्ड। पहला लॉ ऑफ लेंथ था, हमें देख के पता चल रहा है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे हैं लेंथ क्या हो जा रही है, लेंथ वाइब्रेटिंग की बढ़ती जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड देयर प्रोडक्ट इज कैसा, कॉन्स्टेंट। ओके, उसके अलावा टेंशन की अगर बात करें, टेंशन का हम लोगों ने देखा था, जैसे हम टेंशन बढ़ा रहे थे, स्क्वायर रूट का रिलेशन था, टेंशन फ्रीक्वेंसी कम करते जाते, टेंशन भी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम टेंशन पे जो है वो राइडर गिर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन एंड देयर रेशियो इज कांस्टेंट। उसके अलावा लीनियर मास डेंसिटी में हम लोगों ने देखा, दो स्ट्रिंग यूज़ करें, दो फ्रीक्वेंसी यूज़ करें, दोनों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ने एक ही फिक्स्ड लेंथ के ऊपर, एक कांस्टेंट लेंथ के ऊपर, एक कांस्टेंट मास के ऊपर यानी कि टेंशन के ऊपर, दोनों फ्रीक्वेंसी ने अलग अलग स्ट्रिंग से राइडर को गिराया। दैट इज़ हमारा लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कोई स्टिल कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।